हम लोग 2020 के बीपीएससी का जो पीटी एग्जाम हुआ था उसमें दो क्वेश्चन बचा हुआ है, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसको आज। क्वेश्चन है कि 598 प्लस 779 पर होल स्क्वायर माइनस 598 माइनस 479 पर होल स्क्वायर बटे 598 प्लस इंटू 479 इज्कल टू व्हाट। मतलब ये एक व्यंजक दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके हम देखेंगे इसका क्या वैल्यू आता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो ही दो जो संख्या है वो हर जगह रिपीट हो रहा है। ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये यहाँ भी, और यहाँ तीन जगह है। तो इसके लिए कैलकुलेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट किए कि 598 जो है इसको ए मान लिए और 479 को बी मान लिए। अब दो तो हमको सुविधा क्या क्या हो गया देखो, तो इसको रखते हैं ए प्लस बी पर होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी पर होल स्क्वायर बटे ए इंटू बी, यही ना ये रूप में है। इसको देखकर के क्या लगता है, अगर ई दोनों को एक मान लें और ई दोनों को एक मान लें तो क्या लगता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र है, ये रूप है। तो हम लोग देख जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है। तो अब ये जो फॉर्मूला है मतलब क्या है कि जो होल स्क्वायर अगर है दोनों पर और दोनों के बीच में माइनस है तो एक बार दोनों को जोड़ देंगे और एक बार दोनों घटा देंगे और इसका गुणा कर देंगे। तो ये भी यहाँ यही करेंगे, इसी को अप्लाई करेंगे, ये पूरा को एक बार लिखेंगे और एक संख्या मानेंगे, इसको एक संख्या मानेंगे और ये दोनों को जोड़ेंगे एक बार दोनों को घटाएंगे, चूँकि ये भी अंदर में दो पार्ट में है इसलिए ब्रैकेट के साथ उठाएंगे। तो क्या करेंगे, ए यहाँ इस सेंस पर ये पूरे लेंगे, पूरे लेंगे तो ए प्लस बी एक बार क्या करेंगे, जोड़ेंगे ए माइनस बी पर, चूँकि माइनस का बात है इसलिए ब्रैकेट के साथ उठाते हैं, क्योंकि माइनस जब टूटता है ब्रैकेट तोड़ने के बाद तो चिन्ह बदल जाता है। इसको मंझली ब्रैकेट में रख लिए, एक बार जोड़े हैं एक बार घटाएंगे, फिर लिखेंगे ए प्लस बी और माइनस ए माइनस बी, ये पूरा यहाँ रख दिए, ये पूरा यहाँ रख दिया, अब बीच में माइनस कर दिए क्योंकि एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। और नीचे क्या है, ए बी दोनों गुणा कर दिए, बराबर क्या हुआ। अब देखो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए और प्लस बी ये रह जाएगा, आइए प्लस और प्लस ए तो प्लस ए ही होगा, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस बी हो गया। ये एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हुआ, ए प्लस बी लिख देंगे, प्लस चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब ये माइनस है और ए का चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस माइनस हो गया माइनस ए, फिर ये माइनस है और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस प्लस बी होगा बटे ए बी। अब कुछ दिख रहा है, हम देख रहे हैं कि माइनस बी और प्लस बी है तो कट जाएगा नहीं जाएगा, इसमें माइनस ए है तो प्लस ए जहाँ है वो कट जाएगा, तो क्या बचा इसमें, इस ब्रैकेट के अंदर बचा एक और एक, दो को ए बचा, टू ए, ब्रैकेट में जरूरत नहीं है, गुना यहाँ कुछ नहीं है चिन्ह, तो क्या है, गुना है। इधर क्या बचा, ए गो दो गो, दो गो बी बचा तो टू बी लिखेंगे और ए बी नीचे हो गया। इसको जब करेंगे सॉल्व तो दो दुना चार ए बी अब बटे ए बी ए बी ए बी ख़त्म, तो क्या हुआ है, चार, इसीलिए इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर होगा चार। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, एक शहर है जिसका पॉपुलेशन दिया हुआ है कितना है, 1764,00 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 176,400 इतना जनसंख्या पॉपुलेशन एक टाउन का है, ठीक है, जिस समय है कैलकुलेट किया
कह रहा है इफ इट इंक्रीजेज एनुअली, इसमें जो संख्या में बढ़ोतरी होता है वार्षिक रूप से अगर देखा गया तो वो सालाना दर जो उसका बढ़ने का है एट द रेट ऑफ 5% है, मतलब 100 में 5 बढ़ता है, हर साल 5-5 बढ़ते जाता है। देन व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 साल के बाद कितना होगा, 5% बढ़ेगा पहला साल, अब फिर 5% बढ़ेगा, तो 5-5, 10% नहीं होगा, क्योंकि ये 5% बढ़े हुए का भी फिर बढ़ेगा, तो इसलिए ये उसी तरह का होगा जिस तरह से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का कैलकुलेशन करते हैं। तो उसका क्या फॉर्मूला है, जैसे कि हम लोग निकालते हैं ना ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू 1+R/100 उस पर पावर एन, तो यही यहाँ पर है, इसका फॉर्मूला देख लो क्या है। अगर ये कहे जैसे ये लिखा था कि 2 साल आफ्टर में क्या होगा पॉपुलेशन, तो वो प्लस में लिखेंगे, कहेगा 2 साल पहले कितना पॉपुलेशन था, तो उसको एन माइनस करके लिखेंगे, फॉर्मूला इस तरह से निकलता है, एन प्लस इक्वल टू एन जीरो, जीरो मतलब एन अभी का वर्तमान कितना संख्या है, इंटू 1+R/100 पर पावर टू द पावर एन है, एन मतलब कितना वर्ष के बाद, एन माइनस अगर लिखा हुआ है निकालना अगर हमको पहले कितना था, तो एन 0/1+R/100 पर टू द पावर एन, अभी हमको इसको सॉल्व करना है, ये निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या दिया हुआ है, एन 0 दिया हुआ है, कितना है 17,64,00, और एन कितना है, एन है 2 ईयर्स, 2 हो गया, आर कितना है 5%, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको जो कितना संख्या मिलेगा, एन प्लस कितना होगा, यहाँ यही कह रहा है एन प्लस जो है व्हाट विल बी, व्हाट कर दिए, अब हमको इसका फॉर्मूला पर यहाँ रखेंगे, तो एन 2 प्लस मतलब कितना साल के बाद कह रहा है, एन 2 मतलब दूसरे साल कह रहा है, तो इक्वल टू इसको रखेंगे, एन 0 कितना है 17,64,00, 1+R कितना है 5/100 पर पावर 2, इसको सॉल्व कर देंगे हो जाएगा आंसर, सॉल्व करते हैं 17,64,00 20×5=100, 20 हो गया, अब 20+1=21 होता है पर होल स्क्वायर, 17,64,00 इंटू 21 का वर्ग कितना होता है 441, अब बटे 20 का वर्ग 400 होता है, 2 0 खत्म हो गया, 4 से भाग देंगे, 441 हुआ, 441 × 441 कर देंगे, ये जो होगा संख्या ये कितना होगा, ये होगा 1944-81 जो ए नंबर ऑप्शन में है, इसको सिर्फ गुना करना है, तो ये सॉल्व हमारा हो गया।